हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है 27 जुलाई को, हुआ था 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। बोला क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स बताना है, नेचुरल नंबर दे रखा है ये, ठीक है। ओके, तो बोला गया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो दे रखा है आपको 62 दे रखा है, जबकि उनके पॉजिटिव डिफरेंस जो दे रखा है वो 8 दे रखा है। तो ए माइनस बी के जो दे रखा है वो आपको 8 दे रखा है। आपको क्या निकला, सम ऑफ क्यूब्स निकालना है, इनके दोनों का सम निकालना आपने। तो चलो निकालते हैं कैसे आएगा। तो या तो आप इसके फॉर्मूले से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर फॉर्मूले से नहीं हो रहे तो आप क्या करो, मतलब वैल्यू मान लो। तो ये बोला कि ए माइनस बी 8 है, तो मैं छोटी से छोटी जो वैल्यू मान लूंगा वो ए को 20 मान लूंगा, बी को 12 मान लूंगा। तो यहाँ पर 20 का क्यूब अगर करोगे माइनस 12 का क्यूब करोगे तो ये आपका 8000 होता है, ये -1728 होता है। ये मैंने क्यों देखा, क्योंकि लास्ट में जो डिजिट है वो 2 है, ओनली 20 और 12 का ऐसा पेयर बन रहा है जो माइनस करने पर 18 आ रहा है, साथ में इनके क्यूब का माइनस करने पर 2 आएगा यूनिट डिजिट। बाकी आप चेक कर सकते हैं 19 का और किसका 11 का। तो यहां से आप चेक करोगे 19 का तो 9 का तो 9 आएगा और इसका 1 आएगा, क्या 8 आ रहा या 2 आ रहा, नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप पेयर बनाते जाओगे और आप नोटिस करते जाओगे कि 8 हमारा किस में आएगा। 8 तो आपको सब में आएगा लेकिन यूनिट डिजिट आपको 2 लेकर आने हैं। तो इससे मैं सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे ये 62 देगा। तो यहाँ पर आप क्यों क्या बताना, सम ऑफ क्यूब ऑफ गिवन नंबर, इन दोनों के गिवन सम बताना। तो आपको सम निकालना है, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा, 8 2 7 9 28 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन आप कर सकते हो अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हो गया 81%, 81%, व्हाट परसेंट शुड बी कंजप्शन, कंजप्शन को हम कितना कम करें ताकि पेट्रोल डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन अनचेंज। तो पेट्रोल में हम कितना कंजप्शन कम कर सकते हैं ताकि पेट्रोल का खर्चा सेम रहे। चलो यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप प्राइस लेते हो और क्या होता है बेटा, कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन होता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर देखो, तो भाई यहाँ पर बोला कि 81% इंक्रीज कर दिया गया प्राइस। तो प्राइस पहले मान लो 100 था, 81% इंक्रीज कर दिया, 181 होगा। और एक्सपेंडिचर क्या करना है, दोनों लेवल में सेम करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 181 रख देंगे, यहाँ पर 100 रख देंगे, इन दोनों को उल्टा कर देंगे। तो वही पूछा कि आपका अगर एक्सपेंडिचर सेम है, यहाँ से दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है, तो हम कंजप्शन में क्या डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए 81 डिक्रीज हो रहा है, 81 किस में डिक्रीज हो रहा है, 181 में हो रहा है, इंटू में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई सॉल्व करिए खुद। तो यहाँ से 81 100 आया और 181 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 5 90 और 4 से चला गया 18 74, 4 2 7 0, 10 में से 4 गए 6 और 10 में से 2 गए 8 और ये, ठीक है। तो भाई 90 4 पे जाएगा, 44 समथिंग जाएगा, तो 44 इसमें आपको यही राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपके लिए इजी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 2x+3y=, ये है 16 और एक्स वाई इतना है, तो 8x³ + y 7, 27y³ हमें निकालना है। तो ये क्या होता है आपका, 2x+3y का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस में कर दो 3 × 2x × 3y और 2x+3y, ये आपने करना है। तो ये आपका 16 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस में 3 × 2 = 6, 6 = 9, 9 × xy, xy कितना दे रखा 9 और गुना में 16, तो 16 को मन निकाल लीजिए।
तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 256 हो जाएगा, माइनस में 81 हो जाएगा, इसको सोल्व आपने करना है। 16 ये कितना हो जाएगा भाई, शायद मैंने कहीं ना कहीं गलती की है, एक मिनट, यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती की है भाई। क्या कि 3 दूनी 6 6 18 होता है इनटू में, और ये एक्स वाई की वैल्यू 9 आ रही, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। तो 18 निम कितना होता है भाई, 18 निम होता है 162। ओके, तो यहाँ पर कितना आया, 4 और 25 में से 16 गई 9, 94 आया, तो 16 गुना 94 आप कर लीजिए, जो 16 गुना 4 करोगे तो 48 होता है, 16 गुना 9 करोगे तो 144, 144 और 16 64 होता है भाई, 16 निम 144, 144 और 6 150 आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, अब तक जो एवरेज टाइम है वो अपना 2 मिनट चल रहा है, तो यहाँ से शायद टाइम कम हो जाएगा। ये एक आपको फिगर दे रखी है, 2 कोर्ड है इंटरसेक्ट कर रहे हैं पीपल, ए बी अगर 18 है, ये कंप्लीट 18 लेंथ है, ये वाले 18 लेंथ है, ओके, और पी बी क्या है, 6 है, ये पी बी 6 है, सी पी 4 है, सी पी कितना है, 4 है, तो हमें क्या निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है, तो ये 18, तो ये 6 है, तो ये 12 हो जाएगी, ठीक है, और इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करनी है 12 × 6, और ये इक्वल हो जाएगा इन दोनों मल्टीपल के, ठीक है, 4 × x, तो 4 से कट करिए 3, तो 18 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, 18 आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि एक्स प्लस वाई 25 है, एक्स वाई इतना है 20 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको निकालना है, तो यहां से मल्टीप्लाई करें यार, और प्लस किया 25 आया, ओके, तो भाई एक्स वाई और एक्स क्यूब, चलो देखते हैं, इसका फॉर्मूला जो होगा एक्स प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा, माइनस करोगे 3 × x² और एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, 25 का क्यूब माइनस 3 × 20 × 25, 25 कॉमन ले लो, 625 अंदर आ जाएगा, माइनस में कितना आ गया भाई, ये 60 आ गया, तो वैसे इसको सॉल्व करना आपने, हो जाएगा 620 में से अगर 60 गया तो 560, 560 और 5 माइनस और करो, 555 आ जाएगा, करो भाई सॉल्व इसको, 555, तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 12, हाँ गलती हो गई यहाँ पर, 625 माइनस 60 करो तो आपका आएगा 565, ठीक है, तो 25 पंजे 125 होता है, 25 सिक्के 150 और 12 कितना हो जाएगा, 162, और 25 पंजे 125 और 16 141, ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि सोहन और अमित स्टार्ट कर रहे हैं कार रेस सेम पॉइंट से, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम टाइम पर, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ कितनी है, 1125 मीटर है, स्पीड क्या है, इतनी है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इससे, तो इसका मतलब दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, डिफरेंस हो जाएगा 36, और सोहन का डिफरेंस होता है 18, ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट से जा रहे हैं दो कार, सोहन और अमित की कार, यहां से आके देखते हैं क्या बोला, आफ्टर हाउ मच दे विल मीट, इसके बाद ये कितनी देर में आपको मिलने वाले, किस में बताना, सेकंड में, तो ये जो मैंने लिखा ना, ये मीटर पर आवर में है, मीटर की सॉरी टाइम आवर में आएगा, अब हमें क्या निकालना, सेकंड में निकालना, सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, 18 से 18 करो, 5 से 225, 225 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि फॉलोइंग 5 समालिस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए जो जो डिविजिबल बाई इसके हो, तो इसके डिविजिबल हो तो इवन नंबर है, सभी इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, 5 और 2 7 7 और 6 13, तो भाई यहाँ पर तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार डबल करके देख लेता हूँ, 26 दूनी 52 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा,
1052 ये रहा ना, 1052 ये आपका राइट है, बाकी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि टू मोटरसाइकिल है, स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, एक ट्रेवल सर्टेन डेस्टिनेशन, ठीक है, तो एक की स्पीड है 4 है, दूसरे की स्पीड क्या 6 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम कितना ट्रेवल किया होगा। मोटर ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर है, अराइव हाफ एन आवर आफ्टर द अदर मोटरिस्ट। बोला कि जो दूसरा पहला है ना, उसने आधे डेढ़ डेढ़ घंटे पहले क्या किया, 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर लिया, तो ये आपको बताना है। एक की स्पीड कितनी है, स्पीड का रेशियो यहाँ पर लगा लेते हैं, टाइम का रेशियो निकालेंगे, स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 4:4:6, तो यहाँ से 2:3 आया। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 3:2। ठीक है, तो ये पूछा है कि हाफ एन आवर का यहाँ से हम रेशियो से टाइम निकालेंगे, तो डिफरेंस चेक करिए कितना है, 1 है, और 1 का क्या दे रखा, हाफ एन आवर मतलब घंटे का आधा, तो घंटे का आधा इतना होता है। क्या बोला कि अदर मोटरसाइकिल का हमें निकालना है, देखो कैसा है इसका, आप करोगे तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से 1 आया, 1 घंटे इसका आया, और इसका कितना आया, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 घंटे आया। ठीक है, ये चीज निकल के आई। पर आपसे क्या पूछा है, दूसरे वाले को पूछा है, तो दूसरा कौन सा है, 1 घंटा। ठीक है, तो बस आपको यहां से डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने, स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड आपको दे रखी है, टाइम आपने निकाल लिया, टाइम आपने क्या क्या निकाल लिया, तो भाई दूसरे वाले की स्पीड क्या है, दूसरे वाले की स्पीड अपनी है 6 किलोमीटर पर आ, 6 × टाइम आपका 1 घंटा है, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी किलोमीटर होगी, तो 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ए प्लस बी इतना साइन 90 है, तो साइन बी कितना हो जाएगा, 3/5, तो यहां से आपका ए के अकॉर्डिंग पी बी परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हाइपोटेनस ये होगा, और बेस आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो टेन भी निकालना है, टेन भी किसके अकॉर्डिंग, आप देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, ओके, यहाँ पर क्या है, बी है, अगर दोनों को +90 है तो इसका मतलब ये कुछ होगा, तो जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पर होगी, यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू हो रही है वो 3/5 हो रही है, आपका 4 हो जाएगा। अब ये बी है, तो बी के अकॉर्डिंग क्या बोला है, 10 10 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, 4, और बेस क्या हो जाएगा, 3, तो 4/5 3 आपका राइट आंसर दे देगा, अगर एंगल बी के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो बोला कि इम्पोर्ट ऑफ 1974 वर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम दैट द ईयर ऑफ 1971, 1971 में 1600 है और 1974 में आपका कितना है, 6000 है, तो देखिए कितना इंक्रीज, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम इंक्रीज हुआ है, तो आप देखोगे तो 16 × 4 = 6400 होता है, तो 40 से तो कम है, 40 से कम है। ठीक है, तो कितना कम है, 35 से ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई आंसर होगा, तो 40 नहीं, 3.5 और 4 से के बीच में है, तो आप देखोगे 3.5 से ज्यादा है, ये कम है, ये 3.5 है, इससे ज्यादा होना चाहिए, ये एक ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा किस क्लास में है, तो बॉयज का ये है, गर्ल्स का ये है, तो यहाँ पर मुझे बॉयज का सबसे ज्यादा दिख रहा है, गर्ल्स 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 में 62 यहाँ दिख रहा है, तो कोई नहीं ट्राई कर लेते हैं एक बार, तो इस क्लास कौन सी है, 7th क्लास को मान लेते हैं, तो बस यहाँ पर मुझे इन दोनों का ही दिखाई दे रहा है और किसी का नहीं दिखाई दे रहा, तो बस ऐड करके देख लीजिए, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 और 12, यहाँ से 2 और 12, तो अभी भी ज्यादा, एक ज्यादा इसमें है, तो क्लास 7 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बोला कि अशोक और अनिल अंडरटेक कर रहे हैं पीस ऑफ वर्क कितने में, अशोक का अकेला 8 दिन काम कर रहा है, अनिल 12 दिन कर रहा है, तो असिस्टेंस ऑफ अमर, एक अमर नाम का लड़का वो आ गया, वो 4 दिन में फिनिश कर देते हैं, तो अमर का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो भाई अशोक,
अशोक कितने दिन में कर रहा? 8 दिन में। और जो रुपये डिवाइड होते हैं वो आपको किस पे होंगे? एफिशिएंसी पे, याद रखना। अनिल, अनिल कितने दिन में कर रहा? 12 दिन में। अब बोला कि अशोक प्लस अनिल प्लस अमर, तीनों मिला के कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। ठीक है, तो इनका टोटल एफिशिएंसी कितना आएगा? सॉरी, टोटल वर्क 24 है, तो 8 से 24 ये एफिशिएंसी आ रही है, 12 दूनी 24 और ये 4 6 24। ठीक है, तो यहां से हम अमर की एफिशिएंसी निकालते हैं, और जो एफिशिएंसी पे आएगी ना वो आपका क्या होगा, उसी पे हम रुपये को डिवाइड करेंगे। इसके अलावा हम किसी को रुपये डिवाइड नहीं करें। टोटल यहाँ पर है, टोटल यहाँ पर तो 6 की वैल्यू यहाँ पर 4500 बोला गया है। 6 अगर आप 6 काम कर रहे हो तो 4500 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो अमर का बोल रहा है, तो अमर का एफिशिएंसी कितनी आएगा? 6 माइनस 3 प्लस 2 आएगी, तो 6 माइनस 5 करोगे तो 1 आएगी। तो यहाँ से देखो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा इसने, तो ये आपका 6 गुना 6 7 42, 6 5 750 से मल्टीप्लाई गया। तो इस 1 की वैल्यू 750 से मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा 750 रुपये इसने, अमर ने कमाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ए बी और ए डी 9 है, ए बी ये वाली 9 है और ए डी भी कितना है? 9 है। ठीक है, ए सी और ए ई 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 है। तो बी सी अगर 15 है, बी सी अगर 15, तो ई डी आपने निकालनी है, ये वाली है, तो ये भी क्या होगी? 15 होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ट्रायंगल के। ठीक है, तो जो ट्रायंगल एक जैसे दिखाई दे रही, देखो दोनों साइड क्या है, सेम है, तो तीसरी साइड भी ऑटोमेटिक सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि θ1 θ2 π/2 है, 90 मतलब sin θ1 1/2 है, θ2 कितना हो जाएगा? तो 1/2 क्या होता है? sin 30 होता है, तो θ1 कितना है? 30 है। θ2 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 30 को हम क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं, और इसको हम π/3 लिखते हैं, तो π/3 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है 27,000 रुपये। 27,000 रुपये ये रेट है, 8 महीने है, 8 महीने का क्या करो, टाइम बना लो पूरे साल का, 8/12, इसका मतलब 2/3 हो जाएगा। तो 27,000 का आपने 14 से 2/3%, इसको आपने कितना बनाया होगा? 42 44 44/3 × 100 इंटू में 2/3, तो 3 3 9 9 3 27, 3,000 यहां से आ गया। 2 0 आप यहाँ कट करिए, और कुछ कट हो रहा है? मेरे ख्याल से नहीं हो। तो 2 × 30 करोगे 60, 60 × 40 करोगे तो 0 4 26 24 और 6 2 26 आ जाएगा, 26 40 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सिंप्लीफाई करना, तो 20 से कट करो तो ये आपको कितना हो जाएगा? 20 चौक 80 पॉइंट और 0 2, 4.02 आपका यहां से आया। ओके, और माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, 4.02 प्लस में 2.06, ये आपने प्लस करना है। तो ये तो आपका क्या आएगा? 8.04 आ गया, प्लस में 2.06, तो 2.06 प्लस करो, इसको प्लस करो तो 1 पॉइंट और 8 और 2 10, ये आपका आंसर दे देगा। थर्ड ऑप्शन में आपको ये आपको गिवन दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 cot A इतना दे रखा, तो यहाँ से cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/9 आ जाएगी। ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? दोनों के स्क्वायर का प्लस करके कट कर देंगे। ठीक है, बाकी हमने इतने इतने वो नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू सेम दे रखी है, तो क्या होता है, ये ऊपर वाला cos हो जाएगा, नीचे वाला sin हो जाएगा। सॉल्व करिए, देखते हैं, 3 × 7 + 2 × 9 डिवाइड बाय 3 × 7 − 2 × 9, तो 3 7 21 प्लस 18, 21 − 18, तो 21 + 18 कितना हो जाएगा भाई? 39 डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये आप कितना आंसर ला के दे देगा? 13 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक मैन एक वुमेन एक बॉय कंप्लीट करते हैं 3 5 15 दिन में, हाउ मेनी बॉयज, कितने बॉयज चाहिए ताकि एक मैन और एक वुमेन आ जाए? 1/5 जॉब, मतलब दिन के 1/5 हिस्से में उस काम को कंप्लीट कर लें। तो देखो भाई, बॉय वुमेन और मैन,
बॉय कितने दिन में करता है? 15 दिन में. मैन वुमेन कितने दिन में? 5. और मैन कितने दिन में? 3. एलसीएम लो 15 टोटल काउंट. तो 15 एकम 15 और 5 3 3 5, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई. ठीक है, बोला कि एक आदमी और एक औरत के साथ कितने लड़के लगे ताकि 1/5 डे में इनका काम कंप्लीट हो जाए. तो यहां पर आप देखिए, अगर टोटल काम हमने 15 माना है, टोटल काम 15 माना है, तो बोला कि वुमेन, एक मैन की एफिशिएंसी 5 है, एक वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, और बॉयज हमने चाहिए तो बॉयज की एफिशिएंसी 1 है. तो ये बॉयज है, ठीक है, एक्स की वैल्यू बॉयज है. और ये काम कितने दिन में कर रहे हैं? 1/5 दिन में कर रहे हैं. तो ये आपको कैलकुलेशन करनी है. तो 5 उधर चला गया तो 75 हो गया, 75. और ये आपका 8 + x, 8 को उधर भेजो तो 75 - 8 आपको चाहिए. कितने चाहिए? 67 बॉयज आपको चाहिए, 67 बॉयज आपको चाहिए, ताकि टाइम इतने समय में कंप्लीट हो जाए, सॉरी काम इतने समय में कंप्लीट हो जाए. बोला कि एक शॉपकीपर डिस्काउंट देता है, 12% का एडिशनल डिस्काउंट देता है. गिविंग एन इनिशियल डिस्काउंट, इनिशियल डिस्काउंट 25% था लेबल प्राइस पर, और रेडियो जो भी रेडियो खरीदा, फाइनल सेलिंग प्राइस उसकी निकल के आई इतने, तो लेबर प्राइस कितना होगा वो आपको बताना है. तो यहाँ पर आप चेक करिए कि एक को 12% था, 12% को बनाइए फ्रैक्शन में, तो 4 3 12 और 25. तो एमपी अगर 25 है, एमपी अगर 25 है, तो यहाँ पर एसपी 3 कम करके दिया है, 22 हो गया. ठीक, अब अगला डिस्काउंट 25% है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, यहाँ पर एमपी 4 है और एसपी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, और रेशियो में है तो इसको कट करेंगे, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 11 3 33. इस 33 की वैल्यू, इस 33 की वैल्यू कितनी दे रखी? 792 दे रखी है फाइनल में. तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 2 पे. और ये आपका कितना हो जाएगा? 66. 132, 1324 पे 24. तो 50 को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा. कितना अच्छा क्वेश्चन था ना. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, समालेस्ट रेशियो आपने बताना. समालेस्ट रेशियो बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम 18 ले लेते हैं, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं 18, और ऊपर क्या लेते हैं? ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऊपर क्या होगा? इसके साथ तो गुना 3 होगा, 5 3 15, और ये आपका 9, 7 2 नहीं, इसके साथ 2 के मल्टीप्लाई कर दो. बाकी 18 और 12 का रेशियो नहीं आया, तो यहाँ पर हम 36 लेंगे. ठीक है, यहाँ पर 36 लेंगे, 36 से एलसीएम लिया तो 6 6 36, तो ऊपर 6 के से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 आ गए. 9 चौक 36, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28 आ गए. अब 12 3 36, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो 33 आ गया. 18 2 2 गुना 13 26 आ गया. तो इसमें समोलेस्ट कौन सा है? समोलेस्ट 26 है, 26 किससे आया? 13/18 से. ये आपका राइट आंसर दे देना. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. बोला कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, पेंट किया गया इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. ओके, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, कॉस्ट ऑफ दे रखी है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, 40 रुपए ले रहे हैं. तो नहीं, चलो चेक करते हैं भाई. तो क्या बोला इसने? हेमिस्फेरिकल का क्या निकालना है हमें? कर्व सरफेस एरिया निकालना है. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? जो क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पे तो कॉस्ट होगी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है, और यहां से हम चेक कर लेते हैं कि अगर 40 रुपये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपका 2 रुपये लगेगा. चेक कर लीजिए, तो इसको ×2 से भी मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ज्यादा हमें एडिक लेने की जरूरत नहीं है. तो 4 × 22/7, रेडियस 7 × 7 × 2 आपने करना, 7 से 7 गया. तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 4 × 8, बाकी 12. अरे हमने इतना क्यों देखना है? 22 रहा, 22 22 अपने आप सो, 22 और 4 रहा. तो देखो, 4 से सब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये मल्टीपल हो, ये डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा. तो 2 ऑप्शन ऐसे जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, और बाकी 22 22, अगर मैं 4 गुना 2 करूंगा तो 8,
तो 8 से मल्टीप्लाई, और 8 से मल्टीप्लाई करें हम लास्ट के 3 देखते हैं, तो 832, ये तो हो रहे दोनों हो रहे हैं 8 से, तो 22 से करो, 22 से करोगे तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 2 और 1 3 4, 4 और 4 -4 करके 0, एंड 1 और 3 4, और 4 और 2 6, 2 रिमाइंडर आया, तो ये आपका डिवाइड हो गया, ये 11 से डिवाइड नहीं रहा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। टाइम वेस्ट मत करो, आपने प्रैक्टिस करो, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ABC 6 9 11 दिन में कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं दोनों, तीन दोनों मिलकर, तो हाउ मेनी डेज, कितने टाइम उसको लगेगा, तो ABC 6 9 11, एलसीएम कितना है, एलसीएम 36 गुना 11 अगर आप करोगे तो 396 आपका एलसीएम निकल के आया है, ठीक है, तो ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है तो आपका सोल्व करो, तो 6 से कितने पर जाएगा, 6 6 36, और 6 6 36 66 पे, 9 से 9 चौक 9 चौक, 11 से 11 3 11 3 36, और सॉरी 11 3 33, और 6 6 11 6, तो ये आपका एलसीएम निकल का है। अब बोला कि तीनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 396, तीनों मिला 66 और 44, 110, 110 और 36 अगर आप करोगे तो 146 आ गया, 146 सोल्व करिए इसको, ये आपको कितना आ जाएगा ऊपर, 101, ये आपका 19 8, 198, ये आपका 7 3 73 आ गया, नीचे 73 आना चाहिए, तो सभी के नीचे 73 लिखा हुआ, तो हम देखेंगे तो 73 3 2 1 9 होता है, 2 1, तो ये तो 3 से कम है, तो 3 से कम है या 4 दे रखा, गलत हो गया, 1 से ज्यादा है गलत हो गया, और 3 से कम है तो ये गलत हो गया, तो ये आपका राइट ऑप्शन दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं आज के इस वीडियो में, है ना, तो बाकी देख लो, रीनी मिक्स का रेट 2 कलर को C1 C2 को रेशियो, जो ये 2:3 दे रखा है, यदि रेट ऑफ कलर C1 का 500 रुपये पर यूनिट है, और वो सेल कर रही है मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स को इतने में पर यूनिट में, तो व्हाट इज द रेट ऑफ सेकंड कलर, हमें बताना है सेकंड कलर का रेशियो हमें बताना है, ठीक है, तो C1 C2 ये दोनों क्या कर रहे हैं, 2:3 में मिक्सअप कर रहे हैं, ताकि टोटल यूनिट कितना आ जाए, 650 रुपये का आ जाए, पहला कितना दे रहा है, 500 दे रहा है, ठीक है, पहला का कितना दे रहा है, 500 दे रखा है, तो दूसरे का हमने निकालना है, तो बाकी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से 2 की वैल्यू 500 है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 125 से मल्टीप्लाई किया होगा, नहीं 250 से किया होगा, तो बस 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 250 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, 750 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, एक तरीका तो ये है, बाकी दूसरा तरीका आप खुद निकालिए, क्या हम देखो कैसे, कि 650 में से हम 500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा, 150 मतलब 3 का 50 गुना है, इधर भी 50 गुना करो, 50 गुना करोगे तो आपका कितना आएगा, 100, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस 100 आना चाहिए, तो ऐसी क्या वैल्यू ले ताकि 100 आ जाए, तो 750 आप फिर भी ले सकते हो, ठीक है, कैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बस अपने प्रैक्टिस करते रहो। क्या बोले हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है AB, अच्छा लेंथ ऑफ आर्क जो है इक्वल टू 5 टाइम ऑफ रेडिएशन, ये जो है ना ये वाले, ये 5 टाइम ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ऑफ सर्कल, तो ये आपके 5 टाइम ऑफ रेडियस है, ये आपकी रेडियस, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया आपकी बार पेपर में, तो एरिया पहले तो आप लेंथ निकालिए, लेंथ कितनी है, 5 आर है, रेडियस आपकी आर है, तो सेक्टर का एरिया कितना होता है, 1/2 लेंथ इंटू रेडियस होता है, तो लेंथ इंटू रेडियस 1/2 इंटू 5 आर इंटू आर, तो 5/2 r² आपका राइट आंसर दे देगा, 5/2 r², ओके, तो इसने 5/2 को 2.5 लिख दिया, r², ये आपका राइट आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्या बोला है कि एक से पेंटिंग को सेल करने पर 1498 रुपये मिले, प्रॉफिट 25% ज्यादा हुआ लॉस से, इंक्लूडिंग ऑन सेलिंग इट 1300, अगर ये 1300 में जाता तो उस 1300 में बेचता और फिर 1498 में बेचा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट हो, ओके, तो
ऑर्डर गेन कर रहा, मतलब 25% अगर गेन करेगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगी वो आपको बताना है। अब आगे और 25% इसने सेल करवाना है, तो मतलब 1498 और 1300 का डिफरेंस जो आया, 198 आया, इन दोनों का डिफरेंस 198 आया, ठीक है। और ये 198 क्या है, ये 198 क्या भाई, 198 जो है वो 25% ज्यादा को इंक्लूड करके लगाया गया है। तो 25% का फ्रैक्शन आप पहले देख लीजिए, 1/4 होता है, और 1/4 क्या होगा, 4 तो ऐड होगा, साथ में दोनों का प्लस भी होगा 5, तो दोनों ऐड होंगे तो ये 198 वही है। तो दोनों को ऐड कर मतलब 100% तो है, उसके ऊपर 25% और लगाया गया है, तो नौ की वैल्यू कितनी भी, यहाँ पर डिफरेंस जो आया वो 198 है, और यहाँ से एक की वैल्यू जो आप निकालोगे 22 आया। तो क्या निकालना भाई, लॉस इंक्लूड ऑन सेलिंग, ठीक है, 1300। तो बोला कि अगला जो 25% है, तो 25% मतलब 1/4, इस 4 की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है, नहीं भाई इस 4 की नहीं निकालनी, हमने क्या निकालनी है, इसको हमें वहां तक पहुंचाना है, कहां तक, जहां तक सीपी बराबर हो जाए। लेकिन इसने बोला जो लॉस हुआ ना उससे 25% ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको करवाई ये चीज कि नो, अगर आप नो करोगे तो ये आपका 198 का डिफरेंस देगा, अगर आप 4 करोगे, ओनली 4 करोगे तो ये आपको सीपी के लेवल पहुंचाएगा, अगर 5/4 कर दोगे तो ये आपको कंप्लीट सोल्व करवा देगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ही आया जिसकी वैल्यू 198 आई, ठीक है। अब बोला कि एसपी एसपी निकालना है, तो 1/4 मतलब 5/4, ओके। तो यहां से जो 4 की वैल्यू जो हमने सीपी के बराबर लेगा, तो सीपी यहां से हम निकालेंगे, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 22 करोगे तो 88 आ जाएगी, तो 88 आने के बाद टोटल वैल्यू 1388 आ गई, 1388 आ गई, क्योंकि यहाँ से हम इंक्लूड करते गए थे ऊपर की तरफ, ठीक है। चाहे आप ऐसा ना करके 5 की वैल्यू निकालो, 5 × 22 करोगे तो आपके 110 आएगा, ओके। और 110 को हम 1498 में माइनस कर देंगे, जब भी आपको क्या आएगा, 1388 आएगा। अब आपको क्या निकालना, ये आपका सीपी आ गया, आपको एचपी निकालना, 1388 पे 5/4 आपने निकालना है, तो 4 से कट करो, 4 कितने का हो गया, 4 3 400, 4 7 तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35 और 5 4 20, 5 3 15 और 2 17, 1735 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हमने नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।